मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश से संबंधित अन्य राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों की वापसी के लिए एचआरटीसी की बसों की व्यवस्था की थी ताकि सकुशल उन्हें प्रदेश में लाया जा सके। इसी के मद्देनजर राजस्थान के कोटा व जयपुर में पढ़ रहे 47 छात्रों को 3 बसों के जरिए बिलासपुर वापस पहुंचाया गया। बिलासपुर की सीमा स्थित कैंची मोड़ पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद इन्हें प्रदेश में एंट्री दी गई, जिसके बाद बिलासपुर स्थित पर्यटन विभाग के लेक व्यू होटल में सभी छात्रों को सैनिटाइज कर कोरोना चेकअप किया गया। आपको बता दें कि ये सभी छात्र बिलासपुर, मंडी, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिलाओं के रहने वाले हैं, जो राजस्थान में पढ़ाई कर रहे थे। बिलासपुर के नायब तहसीलदार ऋषि यादव का कहना है कि छात्रों की कोरोना टेस्ट को लेकर पूरी एहतियात बरती गई है और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ये तय किया जाएगा कि उन्हें सेंट्रल्स में क्वारंटाइन किया जाएगा या होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये कोटा से हिमाचल गवर्नमेंट की बस से भेज के जो है प्रशासन ने लाए हैं। इनमें हमारे पास अभी 47 जो है स्टूडेंट आए हुए हैं, 2-3 उनके अभिभावक की भी आए हुए हैं। यहाँ आते ही इनको पहले सैनिटाइज किया जाकर उनके एड्रेस वगैरह लिख के और उसके बाद जो है मेडिकल वगैरह करके और जैसे भी डॉक्टर की प्रॉपर जो राय होगी उनको या तो इधर ही बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर उनकी राय होगी कि इनको होम क्वारंटाइन किया जाना है तब इनको घर भेजने की व्यवस्था होगी। जैसे भी उचित आदेश होंगे प्रशासन से वैसा किया जाएगा। वहीं मौके पर तैनात पुलिस विभाग के SI करण सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का पूरा ख्याल रखा गया ताकि टेस्ट के दौरान किसी भी तरह की कोई भीड़ इकट्ठी ना हो। यहाँ पे आज कोटा से 3 बसेज आई थी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे इनका प्रबंध किया गया है। मेडिकल स्टाफ यहाँ पे आया इनके चेकअप के लिए, यहाँ से इनके सैंपल लेकर के रिजल्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। ये इनका यहाँ पे रहने के प्रबंध किया गया। हमारे पुलिस की तरफ से कुछ लोग लगे हैं कि इनकी जो व्यवस्था बनाई रखे, कानून व्यवस्था बनी रहे, प्लस उसके साथ जो इनका आपस में गैप है वो नज़दीक ना हो, बाकी लोग कठे ना हो, उसके लिए कर रहे हैं। वहाँ से गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, उनमें से 2-2 आदमी को उतार के और बाकायदा इनकी एंट्री की जा रही है। तहसील ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, एंट्री करने के बाद आगे मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ के पास 2 आदमी को भेजा जा रहा है अकेले अकेले करके और वहाँ से उनके सैंपल लिए जा रहे हैं मेडिकल स्टाफ की तरफ से और सैंपलिंग को रिजल्ट के लिए भेजा जाएगा। जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता तो शायद ये लोग यहाँ रहेंगे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए और बाकी हिफाजत के लिए पुलिस यहाँ पे तैनात की गई। वहीं कोटा व जयपुर में अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करने के बाद वापस पहुंचे छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली। मैं कोटा में कोचिंग कर रही थी नर्सिंग की, तो वहां से कल वापस आए थे क्योंकि सीएम सर ने बसेस भेजी थी। वापस आके अच्छा लगा क्योंकि वहाँ बहुत केसेस बढ़ गए थे और फिर रहने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए अच्छा है कि हम वापस आ गए।